आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। शुक्रवार की दोपहर कुमारधुबी बाजार में शराब व्यवसायी डुग्गू साव द्वारा बकरी पट्टी स्थित होटल में बमबारी करने को लेकर शनिवार की सुबह एसडीपीओ विजय कुमार, कुमारधुबी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पीड़ित दुकानदार उत्तम दे से मिलकर घटना की जानकारी ली एवं डुग्गू साव द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे शराब दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाया गया, परंतु दुकान के पीछे एक गुमटी जो कि डुग्गू साव का बताया गया उसमें से गैलन मिला जिसमें से शराब की बू आ रही थी। एसडीपीओ ने कहा कि डुग्गू छात्र अपराधी है, इसके पूर्व भी उसके नाम से कई मामले दर्ज हैं। उसे आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट सहित अन्य धाराओं के साथ जेल भेज दिया गया। निरसा से अनुजीत सेन की रिपोर्ट। कल डुग्गू साव कट्टा दिखाकर और वहां पर एक बमबाजी भी किया था, तो उसी का हम जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। पता चला कि इसका यहाँ बेटा और डुग्गू साहब अवैध शराब का भी दुकान चलाता है, तो अभी दुकान बंद है और इस संबंध में हम आगे की भी जांच करेंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डुग्गू साहब को गिरफ्तार किया गया है, उसको आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, रंगदारी मांगना आदि धाराओं के अंतर्गत उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और बाकी इसका जो है और भी अन्य अगर इसमें संलिप्तता है तो वो हम जांच करने के लिए आएंगे।